भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी काम को करने की संकल्प शक्ति होनी चाहिए। हर विद्यालय का धर्म है हर विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण संस्कार की शिक्षा साथ साथ दी जाए, ताकि देश की भावी पीढ़ी भारत माता को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बोर्ड की परीक्षा में जो विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं उनसे परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम करने वाले हैं। लाइव कार्यक्रम होगा, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगहों पर लाइव के माध्यम से देखा जाएगा। उसी की तैयारी की दृष्टि से पूरे देश भर में शिक्षण संस्थानों में और सभी प्रमुख स्थानों पर आर्ट और पेंटिंग कला की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और उन प्रतियोगिताओं में जो बच्चे बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कला व पेंटिंग प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। 17 विद्यालयों के 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उसी के तात्पर्य में आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के सम्मान करते माननीय महानगर अध्यक्ष जी, स्वागतम 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 दरबार है देव के बात पूजन करे आज हम देव के बात पूजन करे आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। हम सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि जब ये देश 2047 में ये देश जब अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत माता दुनिया की सिरमौर बने, भारत माता दुनिया में क्रमांक एक पर आए, और वो तभी हो पाएगा जब हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत जब आगे होगा तो भारत दुनिया में सर्वोपरि होगा। और वही उसी उद्देश्य को लेकर के हर चीज की अलग अलग चर्चा करने का काम प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात भी, और उसी के क्रम में 27 जनवरी को देश भर के विद्यार्थियों से जो बोर्ड की परीक्षा, वो परीक्षा में लोगों को डर लगता है, उन बोर्ड की परीक्षा में छात्रों को कैसे निडर होकर के संकल्प के साथ परीक्षा में जाएं, इसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 27 जनवरी को देश भर में शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, जगह जगह हमारे अलग अलग संस्थानों के माध्यम से लाइव कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम करेंगे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के आयुष कुमार गुप्ता, आरपीएम अकेडमी संतोष जैसो, अनामिका सिंह, एडी इंटर कॉलेज से खुशी गुप्ता, नितिन सहनी, न्यू एमएस अकेडमी प्रेरणा तिवारी, हमारी बेटी के नाम से कॉलेज कॉलेज जयम अख्तर, बोल होता है आरपीएम अकेडमी से
हर्षिता पांडे। बच्चों को परीक्षा के पहले उस तनाव से कैसे विद्यार्थियों को मुक्त किया जाए, कैसे फ्री माइंड हो जाए, सफल कार्यक्रम हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी की देखरेख में, कार्यक्रम के संयोजक श्री अच्युतानंद साई जी। मैं आदरणीय साई जी से को आमंत्रित करता हूँ कि आए और आभार ज्ञापन करें। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के निमित्त आज सरस्वती विद्या मंदिर आगामी 27 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश भर में जो बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थी जाने वाले हैं उनसे परीक्षा पर चर्चा करके कार्यक्रम करने वाले हैं, जो लाइव कार्यक्रम होगा, जो हर जगह अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगहों पर भी उसको लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा। उसी की तैयारी की दृष्टि से पूरे देश भर में सभी शिक्षण संस्थानों में और सभी प्रमुख स्थानों पर आर्ट और पेंटिंग कला की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें से जो प्रथम द्वितीय तृतीय और अलग सांत्वना पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, जो ऐसे बच्चे ऐसे विद्यालयों में उनको प्रोत्साहन के रूप में जो उनको मंच देने का काम इसी माध्यम से हो रहा है। आज उसी के क्रम में गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण में ये आर्ट और कला पेंटिंग का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें 17 विद्यालयों के लगभग 500 से अधिक बच्चे बच्चियों ने बेटे बेटियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनको पुरस्कार वितरित किया गया है।